जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में वो सभी कुछ आकर्षित कर रहे होंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अब दोस्तों, कल का दिन एकादशी का दिन है। यह जो एकादशी होती है शिवरात्रि के बाद आती है और होली से पहले आती है। इसको आंवला एकादशी भी कहा जाता है और कई जगह पर इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। यह जो एकादशी होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह भगवान शिव से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, लेकिन आंवला एकादशी जो होती है इसका संबंध काफी ज्यादा भगवान शिव से भी माना जाता है और यह एकादशी बहुत ही ज्यादा खास और विशेष मानी जाती है, बल्कि इसे महा एकादशी कहा जाता है। और इसी एकादशी पर कुछ बहुत से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनको करने से आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म होती हैं और वह सभी चीजें आकर्षित होती हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। इसीलिए इस एकादशी पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष प्रयोग जो आप कर अपने जीवन में सभी कुछ आकर्षित कर सकते हैं, जिसकी भी आप इच्छा रखते हैं, जो आपकी मनोकामना है वो सभी कुछ आपकी ओर आकर्षित होता ही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम उनके लिए जानकारी लाते हैं तो यही जानकारी उन्हें सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और भगवान विष्णु ही सभी लोगों के पितृ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही महापितृ हैं। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष होता है या फिर पितरों के कारण उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में बताया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर यही पितृदोष घर के किसी मुखिया के जीवन में होता है, उसकी कुंडली में होता है, तो यह पितृदोष उस मुखिया के जीवन में होने के कारण घर के सभी सदस्यों को इफेक्ट करता है। यानी कि घर का जो मुखिया होता है वह तो परेशान रहता ही है, उसके साथ घर के सभी लोग भी परेशान रहने लगते हैं। पितृदोष काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है, बल्कि काफी लोगों के जीवन में या काफी लोगों के धर्म में तो ऐसा नियम होता है कि हर अमावस्या पर उन्हें पितरों का खाना जरूर निकालना होता है, क्योंकि पितर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घर की सफलता के लिए माने जाते हैं। कुछ लोग अपने पितरों के नाम नहीं जानते हैं, तो ऐसे में भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में पितृदोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु महापितृ माने जाते हैं। या फिर जिस घर में हर महीने एकादशी का व्रत रखा जाए या फिर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें की जाएं, तो भी पितृदोष परेशान नहीं करता है, ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्रयोग आज हम आपको बताएंगे ये बहुत ही ज्यादा खास और विशेष प्रयोग है, लेकिन जिस प्रकार हम आपको बताएंगे ये पूरी बातें सही से समझकर ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। इस प्रयोग में सिर्फ आपको एक यंत्र बनाना है और ये खास विधि से ही खास दिनों पर ही बनाया जाता है। ये किसी भी दिन किसी भी चीज से नहीं बनाया जाता है, इसीलिए जितने भी बातें हम आपको बताएंगे इनको सही से समझकर ही इसका इस्तेमाल आप जरूर कर देखें, क्योंकि इस यंत्र को बनाकर सिर्फ अपने पास रखने से ही पितृदोष तो खत्म होता ही है, बल्कि हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। अगर आपको दुश्मन बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशान करते हैं तो वही दुश्मन आपकी ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि आपकी तरफ से दुश्मनी का स्वभाव बिल्कुल छोड़ देते हैं। और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो इस यंत्र को सिर्फ बनाकर अपने पास रखने से आपका व्यापार चलता है, धन आपकी ओर आकर्षित होता है। अब दोस्तों, किस प्रकार आपको यह यंत्र बनाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको आंवले का रस इस्तेमाल करना है। यह आंवला एकादशी है तो इस दिन आंवले का रस खास शक्तियों के साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपको सिर्फ आंवले के रस से ही यह यंत्र बनाना है। सबसे पहले आपको आंवले का रस या तो ले आना है या फिर खुद ही आप इस रस को बना सकते हैं। इस रस में आपको चंदन पाउडर मिला देना है, बस थोड़ा सा ही चंदन पाउडर आपको मिलाना है। ध्यान रखें दोस्तों कि इतना ही आपको चंदन पाउडर मिलाना है कि आसानी से आप इस रस से इस यंत्र को बना सकें। अब आपको करना है कि इस आंवले के रस में चंदन पाउडर मिलाकर पेज पर आपको चंदन की लकड़ी से ही उस आंवले के रस में उस लकड़ी को डुबोकर
पेज पर यह यंत्र बनाना है। जो यह यंत्र हमने आपको वीडियो में दिखाया है उसी प्रकार से आपको यह बनाना है। लेकिन यंत्र बनाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली लाइन आपको तीनों अक्षर पूरे लिखने हैं, इसके बाद फिर दूसरी लाइन बनानी है, फिर तीसरी लाइन बनानी है। यानी कि जिस लाइन में ओम वम जय ह्रीम डम लिखा है यही लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है, फिर दूसरी लाइन लिखनी है, फिर तीसरी लाइन लिखनी है। इसी प्रकार से आपको पेज पर यह यंत्र लिखना है। खास करके ध्यान रखें कि सूरज ढलने से पहले ही कल के दिन एकादशी के दिन यानी कि 17 मार्च को आपको यह यंत्र बना लेना है। अगर आपको चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है तो आप जैस्मिन के पौधे की लकड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों की लकड़ी से ही आपको आंवले के रस में डुबोकर यह यंत्र तैयार करना है। और इस यंत्र को बनाकर फोल्ड करके आपको भगवान विष्णु को यह यंत्र अर्पित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह यंत्र लिखेंगे तो उसे सूखने के बाद ही आपको फोल्ड करना है, नहीं तो आप गीले में ही यह फोल्ड करेंगे तो पेज फट सकता है या फिर आपका यंत्र खराब हो सकता है। तो उसे सही से सूखने के बाद ही फोल्ड कर या वैसे ही आप उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। फोल्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग फोल्ड करना चाहते हैं और फोल्ड कर ही अपने पास रखना चाहते हैं तो वह आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं। बस इसी प्रकार से आपको यह यंत्र कल के दिन बना लेना है। अर्पित करने के बाद अगले दिन आपको यह यंत्र अपने पास रख लेना है। बस इसको फिर अपने पास ही रखे रखना है, क्योंकि इस यंत्र को अपने पास सिर्फ रखने से सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती है। और जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं या धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको नहीं मिलते हैं, तो इसी प्रकार यह यंत्र बनाकर आप अपने पास जरूर रखें। खास करके एकादशी के दिन खास विधि से जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इसी प्रकार अगर आप यंत्र बनाकर अपने पास रखते हैं तो निश्चित ही आपकी ओर सुख समृद्धि आकर्षित होती है और आपका दुर्भाग्य दूर होता है। तो जरूर दोस्तों कल के दिन इसका लाभ उठाएं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, अपनी समस्या और परेशानी हमें जरूर बताया करें, जिससे हम आपके लिए भी वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, आपके गुड कर्माज बढ़ सकें। क्योंकि जब भी आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्माज बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की मदद होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।